नमस्कार सर साहब, दिल्ली वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से आज की सबसे बड़ी खबर है कि ताहिर हुसैन अरेस्ट हो चुका है, दिल्ली पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया और आज ही उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक चीज और है कि पिछले 3 तारीख को इसने एक अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी इसके वकील ने, और आज 5 तारीख को उसने सरेंडर कर दिया। कुछ न्यूज आ रही है कि सरेंडर कर दिया, कुछ ने बोला कि अरेस्ट हो गया। सबसे पहले कि ये जो चल रहे हैं कानूनी दाव पे चल रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ बताएं हमारे। देखिए, ये तो इसको पता था, इसको ये बात समझ आ गई ताहिर हुसैन को कि ये पुलिस के हाथों बच नहीं सकता। जैसे मोहम्मद शाहरुख पकड़ा गया, उससे पहले शर्जिल इमाम पकड़ा गया, क्योंकि इसने सुना है कोशिश कर रहा था भागने की नेपाल, भूटान और तीसरा बांग्लादेश था जिससे बॉर्डर क्रॉस करने की इसकी इंटेंशन थी। नेपाल भूटान बॉर्डर पे SSP फुल स्ट्रेंथ पे डिप्लॉय की गई थी, और उसके साथ साथ अक्रॉस द बॉर्डर वहां पे उनकी पुलिस को पूरा कॉशन किया हुआ था, और वहां पे रॉ के यूनिट्स स्टेशन थे जहां भी कोई एंट्री पॉइंट्स थे। तो इसका इसको ये समझ आ गया कि ये बच नहीं सकता। और दूसरी बात क्या है, सेम भूटान के लिए था, और इवन बांग्लादेश के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है वो फ्रेंडली गवर्नमेंट है, बांग्लादेश भी हमारे साथ पूरा कॉपरेट करने को तैयार था जहां तक मैं समझता हूं। और इसके बाद जो इसके साथ एक मेन प्रॉब्लम ये आ गई कि इसको ये समझ आ गया कि मुझे यहां पे मार दिया जाएगा। इसको पुलिस से मरने का डर नहीं था, इसको डर था अपने लोगों से मरने का, जिनके साथ इसने मिलकर ये सारा धंधा किया है, जो इसके पीछे गैंग ऑफ फोर है। गैंग ऑफ फोर में अमानतुल्ला खान है, उसके बाद इसका जो राज्यसभा का MP है, साथ में मनीष सिसोदिया है, और साथ में केजरीवाल। ये गैंग ऑफ फोर इसके पीछे था, सबको नॉलेज में था। तो ये है कि उससे बचने के लिए या इसके लिए सुसाइड एक वजह बची थी, और दूसरा था कि इसका मर्डर होगा उनके तरफ। पुलिस के एनकाउंटर से तो पुलिस को तो इंस्ट्रक्शन थी कि इसको जिंदा पकड़ना है। तो लेकिन जिस तरीके से इसने पहले ही अच्छी किया, क्योंकि देखिए इसके अगेंस्ट मतलब सारा दंगा भी भड़क रहा था, कुछ ऐसे लोग थे जो कि मांग कर रहे थे बार बार कि इसको अरेस्ट किया जाए जल्द से जल्द। तो जब इसके ऊपर दबाव बनाना स्टार्ट किया, जैसे पुलिस ने इसके रिश्तेदारों के यहाँ पे छापे मारने स्टार्ट किए, तो वो क्या है कि उसी टाइम इसने अपने आप को सरेंडर करना समझा, सही समझा। देखिए, मैंने कहा कि इसके पहले 20 टीमें बनी थी। अब शाहरुख खान के लिए, मोहम्मद शाहरुख खान के लिए 10 टीमें थी, इसके लिए 20 टीमें पुलिस की बनी गई थी, और स्पेशली ट्रेन लोग थे जो किसी भी सिचुएशन से डील कर सकते थे, और इसको समझ आ गया। लेकिन इसको जो मेन डर था वो डर था कि पकड़े जाने के बाद तो एक इसकी जो पोजीशन है वो इसको बचना तो था ही नहीं। और इसमें दूसरा इसको सबसे ज्यादा जो डर लगा वो ये था कि जो मेरे अपने कॉन्टैक्ट्स बताते हैं या सोर्सेज बताते हैं अपने पुलिस में, इंटेलिजेंस में, कि इसको ये डर था कि इसका को मार देंगे इसके अपने लोग ही। तो उसकी वजह से इसने सरेंडर किया। और इसको एक चीज जरूर इससे ये है कि नेचुरली पैसे वाला आदमी है, अपने कनेक्शन है, इलीगल तरीके से पैसा कमाया हुआ है। तो इसको ये है कि ये प्रोसेस के साथ, इसके साथ एक लंबा प्रोसेस आप देखते हैं, जो रेप वाले अक्यूज है, निर्भया केस वाले, वो कैसे भुगतते जा रहे इतने साल। तो इसको ये है कि भाई ये एक लंबा चलेगा, और उसके बाद ये उम्मीद ये कर रहा है कि शायद ये गवर्नमेंट अगर चेंज हो जाएगी तो इसके साथ एक लीनियंट व्यू लिया जाएगा, और ये शायद उस चक्कर में मैनिपुलेट करके बच जाएगा, जो इसकी गलत फहमी है। लेकिन हाँ, ये उम्मीद उस चक्कर से कर रहा है। चलिए, जिस तरीके से यहाँ के जुडिशरी सिस्टम है, जो कि जिसमें कोई भी पकड़ा जाता है, कोई भी गुनाहगार ऐसा होता है, तो वो सालों साल तक इस पे केस चलता रहता है। इस तरीके से जिस तरीके से इसने अपना याचिका भी दे रखी है, 26/11 के लोग जो हैं उसको कितने साल लग गए, टेररिस्ट जो पकड़े गए पाकिस्तानी कितने साल लग गए, ये तो इस चीज को इसका फायदा है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि गवर्नमेंट को इसके केस को डील करने के लिए जो भी, क्योंकि दिल्ली में जो वायलेंस है ये वायलेंस नहीं है, ये एक देशद्रोह का मामला है। जिस हिसाब से IB के लोग को मारा गया, जैसे दिल्ली पुलिस के DCP को जिस तरीके से मॉब खींचने के चक्कर में था, रतन लाल को मारा गया, ये सारा टेररिस्ट एक्ट है, और इनके सारे जो है पूरी प्लान के साथ किया गया था। और ये तो चलो गवर्नमेंट के पास सब प्लान आ जाएगी बाहर, सारी की सारी गवर्नमेंट को पता भी है, इंटेलिजेंस वालों को पता है, लेकिन उसका जो है उसी के अंदर ये है कि इसको लगता है कि शायद मैं बच जाऊंगा, जेल काटनी पड़ेगी, नहीं तो सीधा मौत लगी थी इसको। और स्पेशल कोर्ट बनाएगी गवर्नमेंट ताकि इसका जल्दी से जल्दी सोल्यूशन हो, और बीच बीच में ताकि अननेसेसरी सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का जो है ना वो चीज झंझट खत्म हो जाए। और अंदर टेररिस्ट एक्ट इसको एक जो भी अपना, मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन उसके हिसाब से कह सकता हूं कि वो इनका जो काम करेंगे उससे ताकि जल्दी से जल्दी इस चीज का सोल्यूशन हो, और ये आदमी को जल्दी से जल्दी सजा मिले। साथ में दूसरे लोग भी इसके साथ जो जुड़े हैं, जो गैंग ऑफ फोर है, उनको भी कुछ उनके खिलाफ कुछ बन पाए।
तो चलिए अभी तो क्या है, इसके ऊपर खुलासे होने बाकी हैं, क्योंकि अभी पुलिस रिमांड पे लेगी, उसके बाद इससे पूछताछ होगा, तो और भी बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। लेकिन तब तक देखा जा रहा है कि जैसे ही ये कोर्ट में हाजिर हुआ, और इसके जो वकील हैं, जो बताया जा रहा है कि जो कालिया जी हैं, उन्होंने इसका वो किया था, याचिका दायर किया, तो उनके खिलाफ भी हूटिंग हो रही है, यहाँ के जो वकील हैं लोग कर रहे हैं। देश को गुस्सा है, देश को गुस्सा है, देश कुछ लोग आकर के कह रहे हैं जी अमित शाह और मोदी साहब ने कुछ नहीं किया, मोदी साहब कोई पीएम है, ये छोटे इन केसों को देखने के लिए नहीं बैठे, वो ट्रंप की विजिट कवर कर रहे थे, जो अपने होम मिनिस्टर हैं उन्होंने सारा पुलिस को पावर दी हुई थी, वो अपनी ड्यूटीज कर रहे थे, बहुत ज्यादा ड्यूटीज होती हैं, और सिर्फ लोगों को ये है कि उन्होंने सिर्फ ये चीज किया कि यहाँ पे जोर जबरदस्ती ना की जाए। आप देखिए रॉयटिंग मुसलमानों ने की, लेकिन आप देखिए इंटरनेशनल मीडिया में इनका कितना दबदबा है, चाहे पाकिस्तान है चाहे कुछ और लोग हैं, इन्होंने टोटल कंट्रोल किया, वहां ये दिखाया जा रहा है कि मुस्लिम को मारा गया। तो इस टाइप का जो है, ये गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कंट्री की इमेज खराब हो, एक सिर्फ एक यही रीजन थे। लेकिन अल्टीमेटली जिस मुस्तैदी से न्यू कमिश्नर साहब को मैं क्रेडिट दूंगा, जैसे प्रेशर मेंटेन करके रखा, जिस तरीके से इसको पकड़ा गया, जिस तरीके से अंदर आया, ये पुलिस के कब्जे में आया या इसे सरेंडर करने की सोची है, इसके लिए पूरा क्रेडिट दूंगा अपनी बीजेपी गवर्नमेंट को। ये सबको पता है कि गवर्नमेंट स्ट्रांग है, कुछ ना कुछ चीजों में गवर्नमेंट को ढील छोड़नी पड़ती है इंटरनेशनल इश्यूज के लिए, ताकि इमेज खराब ना हो, कंट्री की इमेज खराब ना हो। और लेकिन इसके बाद एक चीज जरूर है कि इसके पकड़े जाने से जो लोग इसके साथ इन्वॉल्व थे या बाकी जो लोग हैं, उनको 2 बार सोचना पड़ेगा, 10 बार सोचना पड़ेगा ऐसे दंगे करने को। मैंने पहले भी किसी उसमें कहा कि ये 50 साल में पहली बार एक दंगा हुआ है, इसके पूरा केजरीवाल इन्वॉल्व है, केजरीवाल को इसको क्रेडिट जाता है इसको दंगे करवाने का, और दंगे भी क्या है, ये बेसिकली देशद्रोह की बात है। और वो भी उसके बाद किसी ने पूछा जी केजरीवाल क्यों कराएगा जब उसको पावर में आ गया। ये केजरीवाल पावर में आने के लिए जिन लोगों की मदद ली, जिन लोगों से इसने हेल्प ली, जिनके साथ जहां से इसको पैसा आया, वो लोग एंटी नेशनल लोग थे। अब केजरीवाल ने बड़े लोगों को ब्लैकमेल किया, अन्ना हजारे को ब्लैकमेल किया हुआ इसने, जब पहले अन्ना हजारे साथ था उसके पास पूरी टीम गई, उसको ब्लैकमेल किया, और अब वो लोग इसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। और केजरीवाल मैंने देखा घबराया हुआ है, पहली बार होम मिनिस्टर के साथ बैठ गया, फिर अब जब इसका नाम आया इसके टेलीफोन से बात होने का, तो पीएम से मिलने चला गया, और वो भी पार्लियामेंट हाउस में, तो केजरीवाल घबराया, क्योंकि केजरीवाल बेसिकली क्रिमिनल नहीं है, लेकिन इसके साथ जो नीचे के लोग हैं, संजय सिंह जैसे लोग हैं, उनका बड़ा पुराना लिंक रहा है उसके साथ, तो उनको पता है कि कम्युनिस्ट था वो। तो इसमें लेकिन वही बात है कि एक इसके पकड़े जाने से बहुत बड़ी सी चीजों का खुलासा होगा। लेकिन अब मैं दूसरा हमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो देखनी पड़ेगी वो लिबरल्स, जैसे स्पेशली रवीश कुमार, रवीश कुमार क्या कहते हैं, जैसे उसने अपना दीपक मिश्रा बना दिया शाहरुख खान को, मोहम्मद शाहरुख खान को, अब वो क्या कहते हैं, और उसके माफी नहीं मांगी। बड़े एक बताओ कि ये एक एक देश के कुछ ऐसे लोग हैं जो जर्नलिज्म को छोड़ करके ये दूसरे देश के दुश्मनों का साथ देने लगे हुए हैं, एक स्पेशली जो इनकी इंडिपेंडेंट तरीके से जो इनको जर्नलिज्म करना चाहिए उसको छोड़ करके ये गद्दारी के काम कर रहे हैं, हिंदुओं के साथ गद्दारी करने की कोशिश कर रहे हैं, एक जो मेन इश्यूज है उसको डिस्ट्रैक्ट करके उल्टी तरफ लोगों का ध्यान बटाते हैं। और इनको मैगसे अवार्ड मिला हुआ है। मैगसे अवार्ड का क्या है, ये फोर्ड फाउंडेशन देती है। फोर्ड फाउंडेशन क्या है, ये सीआईए के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। मैं कुछ भी लोग कहते हैं कि आपके सीआईए के साथ अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज है वो चलती रहती है, वो नहीं रुकती, वो इनके गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी नहीं है। तो वो जो पुरानी 1950 से 60 से जो काम कर रहे हैं उसमें नहीं रोक लगाते, और इनको ये बड़े अपने आप को समझे मैं बड़ा बहादुर हूं, मुझे मैगसे अवार्ड मिला। इनको जो अवार्ड मिला वो गद्दारी का अवार्ड मिला। जिस तरीके से अभी सरेंडर किए हैं, उससे पहले ही आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से अपने से पल्ला झाड़ लिया, जैसे इसको निष्कासित कर दिया है और वो सारी चीजें, मैंने इन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए पूरा पॉइंट्स लिया, लेकिन क्या लग रहा है कि आने वाले टाइम इससे जैसे पूछताछ होती है तो क्या और भी खुलासे होने के? खुलासे तो है, ये बेसिकली मैंने कहा ये गैंग ऑफ फोर इसके पीछे है, और इसको फ्रंट पे किया हुआ था, इसके पास सारे खुलासे हैं कि कौन कौन से लोग इसके साथ थे, किस किसने क्या क्या कहा है। अगर इसने 50-50 बार इसके वनतुल्ला खान से बातचीत हुई है, और या उसके केजरीवाल से बात हुई है इतनी बार, या ससुरिया से बात हुई है, या एक्सपोज्ड है। सिर्फ एक दिक्कत यह आती है कि ये लोग पॉलिटिकल, देखिए मैं इस देश में 2 कैटेगरी के लोग आजकल आते हैं, एक कैटेगरी के लोग हैं जो अपने प्रेस के हैं, और कुछ है पॉलिटिशियन जो एंटी इंडिया एक्टिविटी करते हैं, एंटी कंट्री के बाद बात करते हैं, काफी इंफॉर्मेशन दूसरी कंट्रीज को पहुंचाते हैं। जैसे मैंने कहा एक अपने इंटरव्यू में कहा है कि शरद पवार के लिंक थे दाऊद के साथ, और उसकी पूरी रिपोर्ट्स हैं, ये बचे हुए हैं ऐश कर रहे हैं, क्योंकि पैसा बहुत है, पैसा की देकर के अपने इलेक्शन भी जीत जाते हैं, और उससे जो इनको एक प्रिविलेजेस मिल रही है, ये हमारी डेमोक्रेसी का एक कमजोरी है, या हमारे लीगल सिस्टम की कुछ कमजोरी है, जिसकी वजह से ये अपना फायदा उठा करके सर्वाइव करते हैं।
लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जैसे देश में जागरूकता आ रही है और जिस हिसाब की हमारी गवर्नमेंट है उसके हिसाब से ज्यादा देर चलेगा। ठीक है, आज कुछ मैं मानता हूं कि हमारे गवर्नमेंट की पोजीशन थोड़ी सी कमजोर है, वो इनकी वजह से नहीं है क्योंकि सारे कंबाइंड हुए पड़े हैं, लेकिन आप देखिएगा धीरे धीरे जो है ना ये सुबड़ने शुरू हो जाएंगे। और स्पेशली इसके अरेस्ट होने के बाद, इससे पहले शाहरुख के अरेस्ट होने के बाद, उससे पहले शर्जिल के अरेस्ट होने के बाद, अब गवर्नमेंट पीएएफ के ऊपर कब्जा लगाएगी। लेकिन अब जो दूसरी तरफ बैठे हैं, ये जो लिबरल्स बैठे हुए हैं या जो एंटी इंडिया हमेशा बात करते हैं, चाहे आप बरखा लगा लीजिए, चाहे राहुल लगा लीजिए, चाहे आप करण को लगा लीजिए, चाहे राजदीप को लगा लीजिए, चाहे शेखर को लगा लीजिए, ये जितने लोग जो बैठे हैं अब इसमें, मुझे लगता है कि पब्लिक बड़ी स्ट्रांग तरीके से सामने आएगी। और मैं देख रहा हूं बड़े से लोग अपने कोई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन फ्लोट करने के तैयार में बैठे हैं गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आरएसएस का जो इस टाइम पे रोल है बड़ा ड्यूबियस रोल नजर आ रहा है। आरएसएस जो जिस हिसाब से चल रही है, आप पहले देखते हो दिल्ली में पहले शाखा लगती है सब जगह, लेकिन काफी देर से इनकी शाखा लगनी बंद हो गई। ये कुछ दूसरे धंधों में लग रहे हैं आरएसएस वाले, ये हिंदुत्व का धंधा नहीं है इनका, छोड़ दिया इन्होंने। तो इससे लोगों को भी समझ आ गई है इस बात की। मैंने पहले भी कहा है कि एक गवर्नमेंट के अंदर एक मिनिस्टर है जो एक डूबियस रोल प्ले कर रहा है गवर्नमेंट को नीचे लाने के लिए, लेकिन इसके साथ देखते देखते कुछ लोग तैयार हो रहे हैं अपना आरएसएस को काउंटर करने के लिए और जो एंटी नेशनल फोर्सेज है उनको काउंटर करने के लिए। मुझे भी कुछ लोगों ने अप्रोच किया कि हम एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन फ्लोट करते हैं ताकि हम गवर्नमेंट के साथ स्टैंड करें अगले इलेक्शन में 2024 में, गवर्नमेंट के साथ अपने खड़े हों, उसके कैडर बन करके काम करें, ठीक है, विदाउट बीजेपी ज्वाइनिंग। हमें कोई ऐसा जरूरत नहीं है कि हम, तो ऐसा ही हम चीज सोच रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग सोच रहे हैं। चलिए उम्मीद करते हैं जैसे ताहिर हुसैन अभी पकड़ा गया है, इसके और भी काफी सारे खुलासे होंगे, हो सकता है काफी लोग जुड़े क्योंकि धीरे धीरे करके पुलिस अपना काम कर रही है और पुलिस धीरे धीरे सारे जितने भी देशद्रोही हैं, ऐसा है ये कोई ऐसा तो है नहीं कि रोड पे कोई उनकी तरफ से गोली चल रही है और पुलिस गोली चला रही है, पुलिस तो वही काम करते। अगर गवर्नमेंट आज जाकर के इनको पावर दे पुलिस को कि यहाँ राइटिंग हो रही है इनको खत्म कर दो, तो पुलिस तो 10 मिनट में खत्म कर दी। लेकिन हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी भी है और हमारी गवर्नमेंट जरा उस तरीके से चाहती है, पेशेंस है। जैसे मोदी जी को लोग गालियां देते हैं, किस हिसाब से मोदी जी फिर स्माइल करते हैं, जो उनके अंदर पेशेंस है, ये उनकी पेशेंस का ही नतीजा है, उनके एक्शंस का नतीजा है। और अमित शाह ने दिखा दिया है आकर के अल्टीमेटली दैट ही इज इन कंट्रोल। और इसके बाद इस वो जो इस जो 400-500 जो लोग आए थे वो पकड़े जाएंगे, ठीक है। और वो जो एक समझे, एक बार जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो उसके बाद फिर आपका एक वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, सबको डर बैठ जाता है कि हम पकड़े जाएंगे। कोई ये बहुत बहादुर नहीं है, ये जो कौम मुसलमान कौम है बड़ी बहादुर नहीं है। आपने पाकिस्तान का देखा क्या करता है, ये सिर्फ क्या है, हाथ में बंदूक आ जाए तो अल्लाह अकबर करके शोर मचाते हैं। अदरवाइज इनके सामने जब मैंने टेररिस्टों को देखा है, रोते हुए देखा लिटरली, जब पकड़े जाते हैं एक डंडा पड़ने से दिखाते हैं ना जब इसको पकड़ के, तो ये रोने लग जाते हैं। तो इनमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपनी दाढ़ी बढ़ा करके गंदी शक्ल दिखा के सामने खड़े हो जाते हैं तो लगता है कि बहुत बहादुर है, इनको तलवार मिल जाती है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड है। मस्जिदों में खड़े होते हैं वहां पे वो वायलेंस होती है। मैं दूसरी बात कहूंगा केजरीवाल को, केजरीवाल अब भी सुधर जाओ, बंद कर दो मुसलमानों को सपोर्ट करना, बंद कर दो मस्जिदों में पैसा देना, बंद कर दो इमामों को पैसा देना। और सिंपल सी बात है, दिल्ली में रूल करो, दिल्ली में अपनी गवर्नमेंट चलाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। चलिए आपने इतना अच्छा मैसेज दिया, उम्मीद करते हैं कि सभी दर्शकों को अच्छा मैसेज मिला होगा।